उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक भयानक दुर्घटना सामने आ रही है, जहां गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे से कई लोगों की जान चली गई है। इस दुर्घटना में एक बेकाबू ट्रक ने गांव के कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए पूरे हाईवे को जाम कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना पुलिस के मुताबिक मंगलवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सुबह 7 बजे अहिरोली चट्टी के पास सड़क किनारे बने एक झोपड़ी में घुस गया, जहां उसने लगभग झोपड़े के अंदर बैठे 10 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं 2 लोगों ने गाजीपुर अस्पताल में उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बचे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिले के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा शवों को बाहर निकाला गया। इसी दौरान दुर्घटना से आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख कर पूरे हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने NH 31 गाजीपुर भरौली मार्ग को जाम कर ट्रैफिक आवागमन को प्रभावित कर दिया है और हादसे में मारे गए मृतकों के मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार अभी तक ट्रक के बेकाबू होने की वजह सामने नहीं आ पाई है कि कैसे ट्रक अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुस गया, जिसके बाद देखा जाएगा कि क्या पुलिस इस भीषण हादसे की असली वजह जान पाएगी, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।